हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रजत और आज हम देखेंगे अगर हमें स्क्विड गेम का कार्ड बनाना हो तो फोटोशॉप पे कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोटोशॉप खोल लेंगे। फ़ोटोशॉप खोलने के बाद एक क्रिएट न्यू पे जाएंगे। क्रिएट न्यू पे हम कस्टमाइज अपने फाइल बना लेंगे। मैं जैसे 2560x1140 का ले रहा हूँ, ये ले लिया। अब इसके बाद हम कलर चूज़ कर लेंगे कार्डबोर्ड का। ये ऑलरेडी मैंने चूज़ करा हुआ है, तो ये कार्डबोर्ड का हमने कलर चूज़ कर लिया। इस पर क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे और देन प्रेस कर देंगे बैक स्पेस एंड ऑल्ट। उसके बाद ये हो जाएगा। फिर फिल्टर्स में जाके हम एक थोड़ा नॉइज डाल देंगे। ये नॉइज डला हुआ, ये नॉइज डल गया। अब हमें स्क्विड गेम का मेन काम करना है, जो है सर्कल, ट्राइंगल और एक स्क्वेयर। तो ये रूलर्स ले लिए मैंने। ये कंट्रोल आर दबाओगे, उसको नीचे ड्रैग करोगे तो आ जाएंगे। ये शेप्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो फोटोशॉप में दे रखी होती है। सबसे पहले हमें सर्कल लेना है, इसको हम ड्रैग करेंगे और ऑल्ट और शिफ्ट दबाएंगे। ऑल्ट और शिफ्ट से क्या होता है, जो ये पिक्सल होते हैं हमारे बराबर रहते हैं, जिससे कि जो सर्कल की शेप रहती है वो सही आती है, पूरी मतलब एक्यूरेट आती है। इसके बाद ये ऊपर फिल का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर जाके नन कर देंगे और ये स्ट्रोक डाल देंगे। स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है, जो सर्कल की बाउंड्रीज है उसको कहते हैं स्ट्रोक, उसमें मतलब स्ट्रोक डालना कहते हैं उस पर। ये ऐसे स्ट्रोक डल गई, अब देख सकते हो। अब इसको जैसे पिक्सल्स के बढ़ा देंगे जो इसकी स्ट्रोक होगी वो मोटी हो जाएगी। ये हमारा सर्कल रेडी। अब इसको ट्रैक करके नीचे ले आएंगे थोड़ा। अब सेम विद हमें ट्रायंगल और उसके साथ करना है। हमारा ट्रायंगल भी हो चुका है बनके तैयार। अब इसके बाद हम इसको ट्रायंगल को नीचे कर देंगे। फिर हम रेक्टेंगल लेंगे, इस पे रेक्टेंगल पे जाके, यहाँ पर जो रेक्टेंगल है वहाँ पर जाके कंट्रोल दी दबा देंगे और इस पे कर देंगे। अब आपको लग रहा है कि अगर आपका स्केल या सर्कल या ट्रायंगल का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो वापसी इस पे जाएंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे, शिफ्ट के साथ इसको नीचे कर देंगे, सॉरी ऑल्ट के साथ इसको नीचे कर देंगे और इसका साइज छोटा हो जाएगा। सेम विद ट्रायंगल, और ये हो चुका है हमारा बन के तैयार। और इसको हमें सेव करना है, तो फाइल सेव एस पे जाएंगे। सेव एस के बाद इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लेंगे, जो भी आपको नाम रखना है, स्क्विड कार्ड हो गया, ठीक है। ये हो चुकी है आपकी सेव, और इसको आपने देखना है तो जहाँ पर भी आपने इसको सेव करा है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो वो जैसे मैंने यहाँ पर जाके इमेज इसमें करा था, ये मेरा आ गया स्क्विड कार्ड बन गया। देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।